फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का फीडबैक देख के। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया अपने लास्ट वीडियो को देख के। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा कमेंट्स करे, शेयर किए, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है ट्राइसेप्स का। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि आर्म्स को गेन करने के लिए आपने प्रेफर करना है ट्राइसेप्स को। ट्राइसेप्स को अमूमन यहाँ पे लोग नहीं करते, ज़्यादा नहीं करते, प्रेफर करते हैं बाइसेप्स को कि बाइसेप हमारा बड़ा हो जाए, बाइसेप बड़ा हो जाए। अमूमन ये होता है कि आर्म्स जो बाजू है, बाइसेप्स है, वो 40% है आपका बाइसेप्स और 60% आपका ट्राइसेप है। इफ़ यू वांट बिगर आर्म, यू मस्ट ट्रेन ट्राइसेप। ओके, अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें ये है कि ट्राइसेप्स में 3 मसल्स हैं। फर्स्ट लेटरल हेड मसल, सेकंड मीडियल हेड मसल और थर्ड लॉन्ग हेड मसल। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम जो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं वो किस मसल्स के लिए कर रहे हैं। लेटरल हेड के लिए कर रहे हैं, मीडियल के लिए कर रहे हैं या लॉन्ग हेड के लिए कर रहे हैं। अभी आप लोगों को सिर्फ ये पता, बस ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करी और चलते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप गलती करते हैं ट्राइसेप में और क्या क्या एक्सरसाइज आप लोगों को करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका ट्राइसेप बिगर लगे लाइक दिस। ओके, एक्सरसाइज हमारा इस रोप के साथ है, ये बेसिकली हर जिम में अवेलेबल होगा ये रोप। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये करना है कि ये जो एक्सरसाइज है मैं आपको बताऊंगा जी मूवमेंट लोग कैसे करते हैं, ठीक है, और किस तरह करनी चाहिए और इसके किस मसल्स को ज़्यादा हिट करता है, ठीक है। मूवमेंट जिम में लोग अक्सर आपने देखा होगा ऊपर आके इसको ऐसे, यस, पूरा उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और ऐसे एक्सरसाइज करना, ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, ठीक है। और ये जो हमारी एक्सरसाइज है रॉप वाली, ये हमारे तीनों मसल्स को हिट करेगी। ओके, तीनों को, लेटरल हेड, मीडियल और लॉन्ग हेड को आप जैसे चेक कीजिए। पहले तो आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है ऐसे, ठीक हो गया, रॉड को इसको इसको ऐसे पकड़ना है, रॉड को बिल्कुल स्ट्रेट, ये नीचे जाके इसको ऐसे फोल्ड करना, टर्न करना साइड में, फिर ऊपर स्लो, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आना है, लाइक दिस। बिल्कुल स्ट्रेट, बैंड नहीं होना आपने, अच्छा, नेगेटिव फोर्स को हमेशा आप लोगों ने स्लो लेके जाना है ऊपर, फास्ट नहीं करना, लाइक दिस, नेगेटिव फोर्स को स्लो और नीचे फास्ट और नीचे आके टर्न करना लाइक दिस, ये टर्न होगा। ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, जो आप लोग गलती करते हैं वो गलती मिस्टेक नहीं करनी, और ये हमारे तीनों मसल्स की एक्सरसाइज है। ट्राइसेप हमारी एक्सरसाइज है, ट्राइसेप प्रेस डाउन, इसमें भी काफ़ी लोग गलती करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ लेटरल हेड मसल्स को ट्रेन करेगी, जो हमारा ये वाला मसल्स है लाइक दिस, ये आपका जूम करके बता, ये वाला चेक, ठीक है। इस मसल्स को माइंड में रखना है और पूरा प्रेशर आपने इस मसल पर डालना है। मैं आपको बताता हूँ, पहले जो आप लोग मिस्टेक करते हैं जिम्स में, ये क्या से करते हैं, इसको पकड़ा ऐसे, पूरा बैंड हो गए लाइक दिस, स्ट्रेट करते हैं ऐसे, आपने हवा नहीं भरनी, ओके, जैसे जो ऐसे नहीं करना ना, आपने इसके ऊपर आना ऐसे, ये ऐसे नहीं करना, इसके लिए भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना है और ये लाइक दिस, इतना ऊपर आएंगे आप और नीचे फास्ट स्लो, ये देखिए मेरे लेटरल हेड मसल्स को देखें आप, वो फुल ट्रेन हो रहा है इसमें स्लो। आपने टमी को, अपने कोर को भी कुछ अंदर करना, स्ट्रॉन्ग करना लाइक दिस स्लो, और इसमें आर्म्स आप उनको स्ट्रेट रखने हैं, आगे की तरफ ऐसे नहीं करने ना ऊपर की तरफ ऐसे, सिर्फ स्ट्रेट ऐसे लाइक दिस, इसमें घुमाना नहीं है आपने आर्म्स को, बिल्कुल अपने चेस्ट के साथ, अपने बॉडी के साथ को जोड़ लें लाइक दिस, ठीक हो गया। ये हमारी होगी सेकेंड एक्सरसाइज लॉन्ग हेड मसल्स की, ठीक है। उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बादल स्कल प्रेशर लगानी है, ठीक है, वो आपका ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, ये मैं आपको करके बताऊंगा। इसमें क्या करना है आप लोगों ने कोनियों को बाहर की तरफ मूव नहीं करना, आप लोगों ने कोनियों आर्म्स को अपने अंदर की तरफ रखना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि ज़्यादा अंदर ना करें, अगर ज़्यादा अंदर करेंगे आपको पेन निकलेगी, इंजरी भी हो सकती है। आप तक 90 पे एंगल पर रखनी है, जब आप लेटेंगे कोनियाँ आपके बिल्कुल
रूफ की तरफ स्ट्रेट हो, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा बिल्कुल अंदर, क्योंकि अमूमन कोच क्या करते हैं जी, इसको अंदर करो अंदर करो, फुल अंदर कर दो, अंदर करते चक्रों में पेन निकल आती है, वैसा बिल्कुल नहीं करना, इसको बिल्कुल नॉर्मल जो जितनी आपकी बॉडी अफोर्ड कर सकती है, ज़्यादा ना बाहर ना अंदर, बिल्कुल 90 के पॉस्चर पर स्ट्रेट करना है इसको। मैं कर देता हूँ, ये देखिए। अच्छा, इसमें कोने को ऐसे नहीं करना ना, आपने सिर्फ कोने को 90 की डिग्री पर रखना है स्ट्रेट, और इसको ऊपर ऊपर टाइट नहीं करना, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन इसकी ये होगी, दैट्स इट। जो हम इसको लगाते हैं डबल बैक पे लगाते हैं, ठीक है, वो भी हमारे लॉन्ग हेड मसल्स की है। ये माइंड में रखिएगा आप लोग कि लॉन्ग हेड मसल्स को हम ट्रेन कर रहे हैं डंबल से। अमूमन जिम में कोच क्या करते हैं, कोचेस, आपने किसी कोच को किसी को बुरा नहीं कह रहा, ना आपके टीचर को किसी को बुरा कह रहा, अमूमन लोग कर देते हैं क्या करते हैं जी, क्लोज करो जिसको, एल्बो अपनी क्लोज कर लो, वो एल्बो क्लोज के चक्कर में आपको इंजरी कर देते हैं, आपकी एल्बो इंजरी हो सकती है, आपकी शोल्डर इंजरी हो सकती है। इंजरी से अवॉइड करें, ना कि आप जिम करें, ना कि आप बेड रेस्ट पे चले जाएं, कोशिश ये करें कि आप इन चीज़ों से बचें, ठीक है, और जो जो एंगल मैं आपको बताऊंगा आपने उसको फोकस करना है। और दूसरी चीज़ जो मिस्टेक आप लोग करते हैं, जब डंबल्स लगाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाते हैं, स्ट्रेट नहीं करना, स्ट्रेट करने में क्या होता है आपके शोल्डर जॉइंट में पेन निकल सकती है और एल्बो में भी, इसको अवॉइड करना है। दो चीज़ें मेन चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना लाजमी। और अगर जो कोच आपका नहीं मानता उसको मेरा नंबर दीजिएगा, उम्मीद करता हूँ कि मैं उसको कन्विंस कर सकूँ कि मैं ठीक क्या। फुल डाउन ये हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होगी। लास्ट एक्सरसाइज है बैक वेट डिप्स, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपके तीनों मसल्स को हिट करती है और वो आपने हमेशा करनी है। वो कैसे करनी है आपने, लाइक दिस, आप बैठे फुल स्ट्रेट, इसमें फुल स्ट्रेट करना है, डाउन लाइक दिस, एल्बो बाहर नहीं निकाल दें, एल्बो अंदर अंदर रखना है ऐसे, ये हमारी एक्सरसाइज होगी आज, ट्राइसेप्स कंप्लीट होगी। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा, और शेयर माय वीडियो, थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, थैंक यू सो मच।